देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं बिंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से लगातार अपील करती आ रही है कि आप अपने घरों में रहें, घर में रहकर सुरक्षित रहें और कोरोना महामारी को भगाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अवैध जमीन विवाद को लेकर बागबेड़ा के 6 नंबर रोड में मची अफरा तफरी। आरोपी ने स्थानीयों पर पत्थर और तलवार से किया हमला, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कोटका विधायक ने हाता स्थित सब स्टेशन व क्वाली के सब स्टेशन का किया निरीक्षण। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। और नई जागृति संघ के बैनर तले पूरे राज्य भर में 1 दिवसीय उपवास का किया गया आयोजन। राज्य सरकार से प्रतिष्ठानों को खोलने की उठाई गई मांग। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर 6 में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब सरकारी जमीन क्षेत्र राजेंद्र प्रसाद यादव का विरोध करने पर स्थानीय लोगों पर पत्थर और तलवार से उन्होंने हमला कर दिया। इस तलवारबाजी की घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि विगत कई वर्षों से राजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा हाउसिंग कॉलोनी के सामने वाले खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। 4 वर्ष पूर्व तत्कालीन एसडीओ द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। बावजूद धड़ल्ले से राजेंद्र प्रसाद यादव एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उक्त स्थान पर घेराबंदी का काम जारी है, जिसका विरोध करना स्थानीय लोगों पर भारी पड़ गया, जहां स्थानीय रमेश झा एवं उनके भतीजे को राजेंद्र प्रसाद यादव एवं उनके परिवार के सदस्यों ने तलवार से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं घायल रमेश कुमार झा ने बताया कि विगत कई वर्षों से राजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा जमीन का अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और विरोध करने पर पूरे परिवार के सदस्य क्षेत्रवासियों पर हमला कर देते हैं। इस संबंध में पीड़ित ने बताया कि घर के पास वे बैठे हुए थे, तभी राजेंद्र प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने तलवार से हमला कर उन्हें और उनके भतीजे को बुरी तरह से घायल कर दिया। आगे में कहाँ रहते, पूरा बताइए। बागबेड़ा कॉलोनी 6 नंबर रोड। अच्छा। और उस घर के आगे ही बैठे हुए थे, इतना में इसका क्या कहता आ गया राहुल यादव और पोता बेटा, तीनों बेटा मिलके सब सर, ये लोग सब मिलके मेरे को आके फटाक से तलवार से मार दिया सर। मेरा भतीजा आया दूर से, उसको भी मार दिया सर, फाड़ दिया। देखिए ना कहा मेरा भतीजा नीलेश, क्यों मारा था? अच्छा, मारने के कोई पुराना लड़ाई झगड़ा वो सर, कोई पुराना झगड़ा को बोल दीजिए। हाँ बताइए। वो सर कुछ अति लोग का ऐसी रंगबाजी है, एकदम टाइट रहता है हमेशा। एसडीओ तोड़वा दिया था, सब बताओ। जमीन छेकने का कुछ मामला, क्या मामला बताइए? वो जमीन जो था सर ना, एसडीओ आके तोड़ दिया था, अभी वो फिर वापस वो घेर लिया। तो जो तोड़वाने में जब टूटा था, उस समय से हम लोग को पर खार लगा हुआ सर। बस कितने लोग थे वो लोग? वो लोग सर, वो 3 ठो पोता और उसका 3 ठो बेटा, पूरा फैमिली था सर। क्या चीज से मारा आपको? तलवार से मारा सर। क्या नाम है? कहाँ नाम है? रमेश कुमार झा। वहीं पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए राजेंद्र प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त तलवार को भी जब्त कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बागबेड़ा थाने के पुलिस पदाधिकारी राजेश झा ने बताया कि राजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर स्थानीय लोगों पर राजेंद्र प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने हमला कर दिया। हालांकि उन्होंने बताया कि इस मामले में राजेंद्र प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 लोग फरार हैं, जिनके लिए छापेमारी जारी है। हाउसिंग कॉलोनी रोड नंबर 6 में आज तलवारबाजी की घटना घटी है, जिसमें 2-3 लोग मारपीट किए तलवारबाजी के साथ, जिसमें कि पुलिस तत्परता से वहां पहुंची और एक तलवार को जब्त कर लिया गया है, जिसमें 3 आदमी घायल हुए हैं। घायल के उचित इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है और एक पक्ष के जो मारा गया है उसको गिरफ्तार करके थाना में बैठाया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कितने लोग फरार हैं? 1-2 आदमी फरार है थाना से। किस लिए घटना घटी है? ये पूर्व में जमीन विवाद से संबंधित है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा के कारण पूर्व में भी कार्रवाई हो चुकी है, उसी को जमीन विवाद को लेकर ये मारपीट की घटना। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि ये जमीन जो घेर रहे हैं उसका विरोध करने पर स्थानीय लोगों को परेशान किया जाता है। ये सभी मोहल्ला के लोग इस सरकारी जमीन को घेरने के लिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन राजेंद्र यादव के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, इसी का विरोध मोहल्लावासी कर रहे हैं, जिसी के क्रम में मारपीट की घटना आज घटित हुई है। ठीक। और इधर स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर एमजीएम अस्पताल के कैंटीन में कोरोना पेशेंट के लिए बन रहे खाना का राजेश बहादुर ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के आस्तिक महतो भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर एमजीएम अस्पताल के कैंटीन में औचक निरीक्षण किया गया। वहीं जानकारी देते हुए राजेश बहादुर ने बताया कि अस्पताल में कोरोना पेशेंट के लिए खाना बन रहा है।
आज उसकी जांच की गई। उन्होंने कहा सरकार की ओर से 50 रुपये में 3 टाइम खाना देने का प्रावधान है, पर इसे 50 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। वहीं कोरोना पेशेंट के लिए खाना अलग से पैकिंग करके दिया जा रहा है। फिलहाल खाना टेस्ट करने के बाद सही पाया गया, इसकी जानकारी उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को दी। खाना बन रहा है तो आपने जांच किया तो क्या पाया? ये कल रात में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के साथ मेरी बात हो रही थी, तो वो थोड़ा इसको लेके थोड़ा सा चिंतित थे कि कोरोना के जितने मरीज हैं या जो संदिग्ध हैं उनका खाने का व्यवस्था क्या है, क्योंकि ये मैटर पे हम लोग का पहले भी बात हुआ था कि 50 रुपये में हम लोग 3 टाइम खाना खिलाते हैं, कोरोना वाले जितने उनको अलग से पैकेजिंग करके देना पड़ता है यूज़ एंड थ्रो, तो थोड़ा चिंतित थे, बोले कि आप जाके पर्सनली चेक कीजिए कि कैसा करना है, तो उसी के लिए मैं आया था आज अपने लेक्चर में, और वो देखने के बाद उनको मैं रिपोर्ट दे दूँगा। खाना बहुत अच्छा है, फ्रेश है, न्यूट्रिशियस है, और यहाँ की डाइटिशियन अच्छा काम कर रही है। हाँ, मैं खुद टेस्ट करता हूँ। सब ठीक, मंत्री जी का जैसा आदेश होते करते हैं, वो बोले थे आप अपने खुद जाके टेस्ट कीजिएगा। और इधर लॉकडाउन 5 अनलॉक 1 में मिले छूट से सैलून और पार्लर को अलग रखने से आर्थिक संकट से जूझ रहे संचालन कर्ताओं ने नाई जागृति संघ के बैनर तले पूरे राज्य भर में 1 दिवसीय उपवास के कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी कड़ी में जमशेदपुर के भी विभिन्न क्षेत्रों में संघ के द्वारा उपवास रखकर राज्य सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराया गया। राज्य में सैलून और पार्लर संचालन कार्यकर्ताओं को किसी तरह की छूट प्रदान नहीं की गई, जिससे इनके और इनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होते जा रही है। अपनी समस्याओं को लेकर नाई जागृति संघ के बैनर तले पूरे राज्य भर के नाई ने 1 दिवसीय उपवास के कार्यक्रम का आयोजन कर राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराने की कोशिश की। इसी कड़ी में जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में संघ के सदस्यों ने शांतिपूर्ण तरीके से 1 दिवसीय उपवास कर राज्य सरकार से आग्रह किया कि जल्द से जल्द इनके प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए और इन्हें 15,000 रुपये राहत पैकेज के रूप में देने की मांग की, ताकि इनके और इनके परिवार के समक्ष जो भूख की पीड़ा उत्पन्न हुई है वह दूर हो सके। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए संघ के जुगसलाई मंडल सचिव संतोष कुमार ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सैलून और पार्लर संचालन कार्यकर्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अन्य राज्यों में छूट दी जा रही है, पर झारखंड में छूट प्रदान नहीं करने से लोग अब भूख से मर रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया कि जल्द से जल्द सरकार इस ओर ठोस निर्णय ले और उन्हें राहत प्रदान करे। वहीं अगर जमशेदपुर के कदमा सोनारी की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी नाई जागृति संघ के द्वारा सभी सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालकों ने 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम आयोजन किया, जहां उन्होंने बताया कि इस तरह से वे 1-1 रुपये के लिए मोहताज हैं। परिस्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। अगर सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो उन सबके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठाकुर समाज क्यों विरोध में उतरे हुए रोड? आज देखिए, आज मरम्मत है, लोग सारे दुकान खुल गए हैं लॉकडाउन में। आज हमारा जो समाज है नाई समाज, आज इतना मरम्मत है कि लोगों का जीविका का साधन यही, इसी से लोगों का रोजी रोटी, परिवार का भरण पोषण सारा चीज चल रहा है। ठीक है, जो सरकार का आदेश है हम लोग उस आदेश का जरूर पालन करेंगे कि जो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे, जो सरकार का हमारे को जो भी आदेश होगा हम उसका अनुपालन जरूर करेंगे, लेकिन हमारा जीविका इसी समुदाय का जीविका इस धंधे से चलता है, और ये धंधा अगर बंद रहा तो सभी लोग रोड पे आने का व्यवस्था हो रहा है। सरकार की तरफ से आपको सहायता मिला है ये लॉकडाउन में? अभी तक हमको किसी तरह सरकार, संसद या विधायक कुछ, कोई भी हमारे को सहायता कोई भी संसद विधायक के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि कुछ सामाजिक संस्था के द्वारा कुछ गरीब तबके के लोग थे जो हमारे समुदाय से जुड़े हुए थे, उन लोगों को कुछ हम लोग अनाज का व्यवस्था हम लोग अपने सामाजिक तौर पर उनको देने का काम किया है। लेकिन आज स्थिति बहुत भयावह है कि आज ये कोरोना की स्थिति में लोग आज जीविका चलाने के लिए एकदम तरह ही मान रहे हैं, तो इसलिए आज हम चाहेंगे सरकार से, मेरा अनुरोध होगा कि हमारा सैलून खुलाया जाए, सरकार का जो अनुपालन होगा हम लोग जरूर करेंगे, और नहीं अगर मान लीजिए सरकार ये स्थिति में है तो हम लोग को जितने भी गरीब तबका के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनको 1-15 हज़ार रुपये का अविलंब वो व्यवस्था कराएं कि लोग अपनी जीविका। स्थानीय विधायक से मिले आपका विधायक क्या बोले? स्थानीय विधायक से हम लोगों ने मिला है, हमारे समुदाय के लोग मिले जा करके, हमारे क्या बोले? उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कुछ पैसा सरकार के द्वारा आया गया है, जो हम लोग टेम्पो चालक और नाई संघ से जो लोग जुड़े हुए हैं, नाई
कारोबार से जुड़े होंगे उनको हम लोग योगदान देंगे, लेकिन अभी तक हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिला है, किसी तरह का कोई भी धरातल पर नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रवि ठाकुर। और अब रुख करेंगे पोटका की ओर। पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार ने हाता स्थित विद्युत सब स्टेशन का निरीक्षण किया। वह इस मौके पर बिजली विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इसके बाद विधायक ने क्वाली के अनिश्चितपुर में बन रहे नए सब स्टेशन का भी निरीक्षण किया और बिजली विभाग के पदाधिकारियों को जल्द से जल्द पूरा काम चालू करने का निर्देश दिया ताकि पोटका प्रखंड की जनता को 24 घंटे बिजली मिल सके। विधायक ने कहा कि आज हमने 2 जगह निरीक्षण किया और बिजली विभाग के पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए ताकि जनता को सुचारू रूप से बिजली मिल सके। वहीं विद्युत विभाग के पदाधिकारी का कहना है कि आज विधायक जी के साथ हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। हाता में शहरी और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 2 नए 11 KV फीडर का कार्य शुरू होने वाला है ताकि आम जनता को बिजली अच्छे से मिल सके। बिजली की समस्या काफी देखने को मिल रही है, समय पर करंट नहीं मिल पा रही, इस तरह की बातें सामने आ रही, क्या कहेंगे? आज इसी दिशा में हम लोग माननीय विधायक संजीव सरदार सर के साथ हम लोग हाता पावर हाउस का निरीक्षण करने आए और यहाँ पर नए बनने वाले दो 11 KV फीडर, एक गीतिलता फीडर और एक हल्दी पोकर फीडर के काम के क्या अभी अद्यतन स्थिति है उसका हमने जायजा लिया और सर को हमने आश्वासन दिया है कि अगले 3 महीने में यहाँ से 2 नए 11 KV फीडर का काम कंप्लीट हो जाएगा और जिससे हाता क्षेत्र के अर्बन कंज्यूमर्स को और औद्योगिक कंज्यूमर्स को इसका तुरंत फ़ायदा मिलेगा, जिनको अच्छी गुणवत्ता से बिजली मिलेगी और उसमें ट्रिपिंग की संभावना भी काफ़ी कम होगी। और अब बात करेंगे रक्तदान की, जहां जमशेदपुर के ब्लड बैंक में लगातार कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा रक्तदान शिविर लगाकर रक्त संग्रह करने का कार्य किया जा रहा है ताकि जरूरतमंद मरीजों को सही समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। इसी कड़ी में संघर्ष संस्था के द्वारा बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां संस्था के सदस्यों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से अब बृहद पैमाने पर रक्तदान शिविर नहीं लगाया जा रहा है। ऐसे में विभिन्न अस्पतालों में रक्त की कमी देखी जा रही है, जिससे जरूरतमंदों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रक्त की कमी के कारण किसी मरीज की मौत ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए यह शिविर लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ कोल्हान मानव अधिकार संगठन के द्वारा भी रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां 100 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए संगठन के सदस्यों ने इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए आयोजककर्ता ने बताया कि रक्तदान महादान है और हर एक व्यक्ति को इस पुण्य कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है ताकि हमारे शहर में किसी भी मरीज की मृत्यु रक्त की कमी के कारण न हो। आज यह टीम संघर्ष परिवार एवं अन्वेषा के संयुक्त तत्वावधान में पूरे लॉकडाउन के बीच जिस तरह से 22 मार्च से लगातार टीम संघर्ष परिवार ने जमशेदपुर ब्लड बैंक के कंधे को मजबूती प्रदान करने का कोशिश की और उसी के तहत लगभग 1500 यूनिट से ज़्यादा अभी तक रक्तदान इस लॉकडाउन में टीम संघर्ष परिवार कर चुका है और ये टीम संघर्ष परिवार के आज जो सक्रिय कार्यकर्ता है खाली ये फ्रेंड सर्किल का ही नतीजा है। आज 300 यूनिट लक्ष्य हम लोग रखे गए हैं, लगभग 100 यूनिट रक्तदान तो अभी तक हो चुका है और टीम संघर्ष परिवार शहर से लेकर सुदूरवर्ती गांव तक पूरे लॉकडाउन में जिस तरह से अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, रक्तदान को भी इन्होंने पीछे नहीं छोड़ा और लगातार रक्तदान का सिलसिला भी जमशेदपुर ब्लड बैंक में जारी रखे हुए हैं। टेल्को सबूत संघ के द्वारा भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जो आगे 3 दिनों तक चलेगा। 10 साल से होते आ रहा तो ये जो आज कर रहे हैं ये किस मुद्दे पे कर रहे हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है ब्लड की कमी है या क्या मेन है? लॉकडाउन जो चल रहा है यहाँ ब्लड की कमी है, मैनेजर ने कहा कि हमने आपको अभी ब्लड का व्यवस्था कर दीजिए, ये ब्लड का बहुत कमी है, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, ब्लड का यहाँ नहीं, हम लोग का पास में अभी स्टॉक है और उनका रिक्वेस्ट पर हम लोग अभी इस कोरोना के टाइम में ही अभी तो एक चीज़ बताएं, ये जो कोरोना का समय आप लोग ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं कितने का टारगेट रखे हैं? ऐसे तो हम टारगेट 100 को लेकर चल रहे हैं, अब उसमें जितना आ जाए अभी तक हम लोग देखा नहीं है लेकिन लोग आ रहे हैं। तो अभी तक आप कितना ब्लड कलेक्शन अभी हो गया? वह 40-50 हो गया। और यहाँ को बताएं कि इस लॉकडाउन में स्थिति विकराल होता देख धतकीडी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने जरूरतमंदों की सेवा का बीड़ा उठाया है, जहाँ उनके द्वारा कैंसर अस्पताल में इलाजरत मरीजों एवं उनके परिजनों के समक्ष भूख की पीड़ा उत्पन्न न हो इसका पूरा ख्याल इनके द्वारा रखा जा रहा है।
वैसे पूरे लॉकडाउन में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा कैंसर अस्पताल में इलाजरत मरीजों एवं उनके परिजनों का पूरा पूरा ख्याल रखा गया, पर स्थिति जस की तस बरकरार देख धतगिरी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य इन दिनों दिन रात एक कर युद्ध स्तर पर सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इस क्रम में इनके द्वारा कैंसर अस्पताल के मरीजों एवं उनके परिजनों के समक्ष उत्पन्न भुखमरी की स्थिति को दूर करने का अथक प्रयास किया जा रहा है, जहां इनके द्वारा लगातार सुबह शाम उन्हें भोजन करवाया जा रहा है और साथ ही सोसाइटी के सदस्यों ने आश्वासन दिया कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक जरूरतमंदों की सेवा निरंतर जारी रहेगी। सोसाइटी की तरफ से जो है ये आज अढ़ाई महीना से ऊपर होने जा रहा है तब से ये बढ़ रहा है खाना, और यहाँ पर काफ़ी ज़रूरतमंद है जो हॉस्पिटल में आए हैं बाहर बाहर से, बेचारे को खाने का बहुत सारा दिक्कत है, उसको देखते हुए डॉक्टरी बेलते हुए सोसाइटी की तरफ से इनका खाने का इंतजाम हर रात को किया जाता है। कितने दिन से यहाँ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ किए हैं आप लोग? हम जमशेदपुर में लगभग सभी जगह किए हैं, रामनगर तरफ भी गए हैं, बरम इसमें भी है और आइए तो ढटकड़ी है ही। ये रात का खाना का कब से इंतजाम किए? रात का खाना का अभी ये जो हम लोग 3 तारीख के बाद पता चला कि हम लोग रात को तो बांट ही रहे थे, लेकिन पता चला कि 3 तारीख को हम लोग बंद कर रहे थे, ये लोग को पता चला कि बहुत ही दिक्कत है रात का खाना का, हम लोग बंद नहीं होगा, आप लोग जब तक है तब तक बटाएगा। यहाँ दिन में कोई इंतजाम ये लोग का किया है? ढटकड़ी की तरफ से जो है ना, तरफ से स्टार रेस्टोरेंट की तरफ से जो है ना दिन के इंतजाम है, 72 दिन हम लोग 72 दिन करीब करीब ये लोग भी खिलाए हैं। आज से आप लोग खिला रहे? नहीं, हम लोग का अढ़ाई महीना तो कंटिन्यू है, हम लोग का बंद नहीं है अभी तक। सिर्फ रात का खाना? रात का खाना है, सिर्फ रात का खाना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुमताज अहमद है। आपका संस्था का नाम? मेरा संस्था का नाम है डटपीटी वेलफेयर सोसाइटी। और वहीं लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों में खुशी देखी गई, जहां लोग अब अपने अपने घरों से निकलने लग गए हैं। पिछले 3 महीनों से लॉकडाउन की वजह से सारे लोगों का घर से निकलना बिल्कुल बंद हो गया। परिस्थिति इतनी विकराल हो गई कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालांकि स्थिति अभी भी जस की तस बरकरार है, पर जिला प्रशासन के द्वारा कुछ कुछ रियायतें दी जा रही हैं। इसी क्रम में सोशल डिस्टेंस के तहत मॉर्निंग वॉकरों के लिए भी छूट प्रदान किया जा रहा है, जहां लोग अब अपने अपने घरों से बाहर निकलकर सुबह टहल रहे हैं। वहीं एक मॉर्निंग वॉकर ने बताया कि इतने दिनों के बाद वे सभी घर से बाहर निकल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि पिछले 3 महीनों से घर पर ही दुबक के रहना पड़ा। लॉकडाउन की वजह से हम यहाँ पे आके अपना वर्कआउट कर रहे हैं और रनिंग कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ करते थे? अरमड़ी गांव। कैसा लग रहा है खुले हवा में? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल में आकर वर्कआउट करने में। 3 महीना से तो लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे थोड़ा वर्कआउट करना पड़ रहा है, बट अभी थोड़ा सा अभी खुला हो गया है तो सब कोई बाहर निकल रहे हैं, यहाँ लिंक रोड में आकर सब कोई वर्कआउट कर रहे, रनिंग कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है। आपको बहुत अच्छा लगा? लॉकडाउन भी हो रहा है इससे बहुत परेशान हो गया और हो रही है सबको। 3 महीने वर्किंग किए आप लोग? घर में किए थोड़ा बहुत। और अब बात करेंगे अनलॉक वन की। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अनलॉक वन को तो 1 सप्ताह हो गया, फिर मैं आज इसकी बात क्यों कर रही हूँ। दरअसल दर्शकों, अनलॉक वन को 1 सप्ताह हो गए हैं, पर उसके बावजूद भी लोग क्या गाइडलाइन का पालन सही ढंग से कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं जमशेदपुर बाजार का नजारा, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता जूही ने। लॉकडाउन 4 की समाप्ति के बाद अनलॉक 5 की शुरुआत हो चुकी है। हम खड़े हैं जमशेदपुर के साक्षी मार्केट में। अभी केंद्र सरकार ने जितने सारे गाइडलाइन दिए हैं उसके बाद वो सारी चीज़ें उन्होंने केंद्र सरकार राज्य सरकार पर छोड़ दी है। राज्य सरकार ने शहर में कपड़े की दुकान, जूते की दुकानों पर प्रतिबंध लगा रखा है। लॉकडाउन जारी है जून 30 तक, पर अभी कई सारी दुकानों को मोहलत मिल चुकी है कि वो दुकानें खोलें, इसीलिए आप देख सकते हैं कि कई सारी दुकानें खुल रही हैं और इस पर लोग आ रहे हैं और सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। और
साथ मैं कैमरा पर्सन खतान के साथ जूही, बिग न्यूज जमशेद। सर बताइए सेलिंग पहले के मुकाबले आपको कैसा है? ग्राहक का जहाँ तक का सवाल है तो अभी तो आपको 10% या 20% ही आपको ग्राहक बाजार में दिखेंगे और बहुत कम ही ग्राहक आ रहे हैं। उसी में जो है आदमी गुजारा जैसे तैसा करके बेच रहा है और प्रशासन ही बेचने नहीं दे रहा सही पूरा तरीके से। अभी भी दुकान नहीं खुल पा रही ठीक है। और कल भी जो है प्रशासन आए थे, SP साहब आए थे और बड़ा बड़ा अधिकारी लोग आए थे, अंदर पूरा बाजार तक घूमे और पता किया, लेकिन अभी भी बहुत सारा दुकान जो है बंद है। सर अनलॉक 5 स्टार्ट हो गया है तो मार्केट में तो बहुत सारे बहुत भीड़ लग रही है देखने पर, आपकी सेलिंग कैसे हो रही है और कैसा मार्केट लग रहा है? सेलिंग के एतबार से हम लोग अगर कंपेयर करें पहले से तो सेलिंग बहुत ही डाउन है क्योंकि पब्लिक थोड़ा सा कम निकल रही है, लेकिन फिर भी जो स्थिति है अभी इंडिया में और खासकर जब लक्ष्मीपुर में इतना ज़्यादा जो केसेस बढ़ा है उस हिसाब से पब्लिक बहुत निकल रही है अगर वैसे हम लोग कंपेयर करें, और भीड़ तो लग जाता है। मार्केट में अगर आप एक बार देखेंगे घूमेंगे आपको समझ में आएगा कि ये लॉकडाउन वाला भीड़ ऐसा नहीं होता, भीड़ ज़्यादा है। और आपकी सेलिंग कैसी? सेलिंग बहुत डाउन है, अगर हम लोग कंपेयर करें तो अगर 100% से अगर कंपेयर करें तो 20% ही सेलिंग। तो आप कैसे एहतियात बरत रहे हैं? एहतियात के लिए हम सैनिटाइज़र रखते हैं यहाँ पर और कस्टमर आते हैं तो एक अच्छा खासा एक डिस्टेंस बीच में रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं एक को वहाँ रखते हैं, इस तरीके से मास्क पहने हुए हैं, आपको बोलते हैं मास्क पहने रहने के लिए। अनलॉक 5 स्टार्ट हो चुका है, यहाँ अभी सेलिंग कैसे चल रही है? आपकी दुकान तो खुल गई है। सेलिंग तो अभी बहुत समय के बाद परेशानी है, अभी तो बहुत दिक्कत हो रहा है। 20-25% लोग आ रहे हैं, बहुत कम, बहुत कम एहतियात बरत रहे हैं, बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। आप कैसे इसको एहतियात बरत रहे हैं, आप क्या कहते हैं? हम अपना सेफ्टी पूरा टाइम बाहर से चेक करवा के अंदर करवा रहे हैं, प्लस सैनिटाइज करवा रहे हैं और इसके बाद हाथ में ग्लव्स ले रहे हैं, पूरा दूरी बना के सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और उसी हिसाब से पार्सल शिफ्ट करवा रहे हैं, अंदर के खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ पार्सल। तो ये तो हुई बात जमशेदपुर बाजार की। अब अगर हम बात करें राजधानी रांची की तो वहां आइए आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता जुबैर अहमद के पास और जानते हैं कि वहां के बाजारों का क्या कुछ नजारा है। बिग न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया था मेन रोड के हालात और रांची की जो स्थिति है वो बेहद ही बदतर हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे जितने भी शॉप वाले जो है, शॉप तो बहुत सारी शॉप तो खुली नहीं है, जैसे कपड़े की व्यवसाय जो खुली नहीं है, लेकिन कुछ शॉप को जो सरकार की तरफ से, हेमंत जी के सरकार की तरफ से जो छूट दिया गया है उसमें भी बहुत सारी परेशानी है क्योंकि ग्राहक जो है शॉप तक चल के नहीं आ रहे हैं। मैं एक व्यवसाय से बात करने की मैं कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर आपका? सर मैं सोशल स्टोर मैनेजर। सर ये स्टोर जो बबल की स्टोर है कस्टमर यहाँ पे आ पा रहे हैं क्या? हाँ हम लोग तो पिछले 2 महीने से खोल के रखे हैं, कस्टमर तो है बट पहले के मुकाबले अब तो थोड़ा बहुत कम हुआ है। ये शॉप कब से ओपन होगी सर? ये अप्रैल 22 तारीख से हम लोग स्टोर को ओपन किए। तो ग्राहक यहाँ तक जो पहुँच नहीं पा रहे इसके मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण देखिए बहुत सारे हैं जो अभी सेफ्टी नॉर्म्स के चलते भी बहुत जन नहीं आ पा रहे हैं और एक ये भी है कि पिछले अभी तो अनलॉक हुआ है, पहले तो लॉकडाउन था तो उस टाइम बहुत सारे रोक टोक थे शहर में तो उसके वजह से भी मेरे ख्याल से नहीं आ सके वो। तो अभी तो अभी कस्टमर्स आ रहे हैं बट फिलहाल पहले के मुकाबले बहुत कम है। एक शहर से दूसरे शहर का परिचालन जब रुक जाता है तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हाँ वो तो फिलहाल स्वाभाविक है क्योंकि बाहर के कस्टमर्स भी हम लोग के बहुत सारे हैं, अदर जो स्टेट्स हैं उधर से भी तो बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं तो वो तो कम हो गई है। हेमंत जी की जो सरकार है झारखंड में तो उस सरकार से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोग व्यवसाय लोग के क्या मतलब उनसे क्या मांग करते हैं, कुछ मांग कुछ करना चाहते हैं हेमंत जी की सरकार से कि कस्टमर ग्राहक किस तरह से आए, एक शहर से दूसरे शहर का परिचालन बस ट्रेन ये सब चलना शुरू होनी चाहिए, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए सरकार से तो हम लोग खुश हैं और उन्होंने बहुत ही प्रयत्न किया है कि स्वाभाविक रूप से सब कुछ परिचालन किया जा सके और सेकेंड थिंग है कि हम लोग भी चाहते हैं कि ग्राहक आए क्योंकि हम लोग सब कुछ सैनिटाइजर से लेकर जो जो सेफ्टी नॉर्म्स WHO ने रिकमेंड किए हैं हम लोग सभी कुछ रख रहे हैं ताकि हम लोग के ग्राहक को कोई दिक्कत ना हो। मैं बिग न्यूज़ के साथ जुबैर अहमद। जैसा कि मैंने अभी दिखाया था आपको मेन रोड की स्थिति जहाँ पे क्या जिस शॉप को खुली हुई है जिस शॉप को सरकार ने हेमंत जी की सरकार ने छूट दिया हुआ है शॉप तो खुली हुई है लेकिन वो शॉप पर जो है
ग्राहक जो है दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसी तरह से मैं चल के आया था मेन रोड और यहाँ पर एक व्यवसाय से मैं बात कर जाता हूँ, छोटी मोटरसाइकिल शॉप है। सर क्या नाम है? नवीन कुमार जो है। ये शॉप कब से हुआ आपने ओपन किया इधर लॉकडाउन के बाद? कितने दिन आए थे? तीन तारीख हुआ। क्या ग्राहक आप आते हैं? नहीं, ग्राहक तो अभी जैसे पहले लॉकडाउन के बाद लाइन है तो इतने ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, जिसके कारण मतलब बिजनेस जो भी बहुत ज़्यादा डाउन और मेन जो लोकल है जिनको कि मतलब गाड़ी लेना है, इंक्वायरी करना है, तो ज़्यादातर फोन इंक्वायरी कस्टमर मतलब शुरू तक आ नहीं पा रहे थे, खासकर जहाँ तक दूर के लोग हैं। लेकिन लॉकडाउन का असर पूरी तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी देखने को मिला है। जी बिल्कुल, ये तो सही है। शॉप के अंदर जब इन करते हैं आपके पास तो वहाँ पे ग्राहक की सेफ्टी के लिए या आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए क्या सैनिटाइजर का यूज़ क्या करवाते हैं? हम लोग मतलब समझिए शोरूम खोलने के बाद पहले शोरूम सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद शोरूम के बाहर जैसे ही ग्राहक आते हैं या कोई भी स्टाफ आता है तो सबसे पहले उनको अच्छे से सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद चेक किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके बाद उनको इन करने दिया जाता है, जितना ज़्यादा हो सके डिस्टेंस मेंटेन करके उनसे बात किया जाता है, गाड़ी के बारे में बताना है, तो जो भी कैश ये सब भी हो गया, अगर कैश ये सब भी लेते हैं तो सबको सैनिटाइज कैशलेस का व्यवस्था की हुई है जी, उसमें फ़ोनपे क्रेडिट कार्ड स्वाइप ये सब चीज़ ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन रहे वो ज़्यादा सही है। सप्ताह में कितना दिन आप लोग सर ये शॉप ओपन कर लीजिए? आप लोग वैसे तो अभी जैसे वीकली जैसे अल्टरनेट चलती है, ठीक है, सर्विस को मतलब सारा ओपन हो गया सर्विस सेंटर, ठीक है। बाकी ये कितने दिन खोलती है? सप्ताह में कितने दिन? सात दिन या तीन तीन दिन? कौन कौन से दिन को खोलते? वेडनेसडे और फ्राइडे। तो जब तक ये परिचालन हो नहीं पाए एक शहर से दूसरे जगह जो आने पाएंगे तब तक स्थिति आप लोग की ऐसे ही रहेगी? बिल्कुल रहती है। अवैध जमीन विवाद को लेकर बागबेड़ा के 6 नंबर रोड में मची अफरा तफरी, आरोपी ने स्थानियों पर पत्थर और तलवार से किया हमला, दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कोटका विधायक ने हाता स्थित सब स्टेशन व क्वाली के सब स्टेशन का किया निरीक्षण, संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। और नई जागृति संघ के बैनर तले पूरे राज्य भर में एक दिवसीय उपवास का किया गया आयोजन, राज्य सरकार से प्रतिष्ठानों को खोलने की उठाई गई मांग। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।